हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक टॉपिक, तो वो करंट अफेयर से रहेगा। ठीक है, ट्रेडिशनल को हटा रहे हैं। सप्ताह भर में जो जमा होगा ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उसी को लेकर उपस्थित रहेंगे। तो जो हमारे चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा रेट्रो वायरस के बारे में, आखिर होता है क्या है। कोरोनावायरस समूह का ऐसा कोई भी सदस्य जो रेट्रोविरिडे परिवार से संबंधित हो, ठीक है, रेट्रोवायरस कहलाता है। तो ये कुछ यहाँ स्पीसीज वायरस को बोल सकते हैं, टाइप है उसके फैमिली का, तो वो रेट्रोवायरस नहीं उससे संबंधित हो तो वो रेट्रोवायरस कहलाता है। यह रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस होता है जो जीनोमिक सामग्री के रूप में आरएनए का उपयोग करता है। आगे है संक्रमण इसका जो है रेट्रोवायरस का क्या है। अगर रेट्रोवायरस से संक्रमित होने पर संक्रमित कोशिकाएं रेट्रोवायरल आरएनए को डीएनए में बदल देती है, अगर जिस कोशिका फिर अधिक रेट्रोवायरस का निर्माण करती है जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इससे संबंधित रेट्रोवायरस रोग क्या क्या है थोड़ा ये जानेंगे। देख सकते हैं संबंधित रोग करा रेट्रोवायरस एड्स और कुछ प्रकार के कैंसर सहित अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। करा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक रेट्रोवायरस है जो अपनी अनुवांशिक जानकारी को डीएनए के बजाय आरएनए के रूप में संग्रहित करता है। क्या बोल रहा है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, यानी रेट्रोवायरस होता है जो अपने अनुवांशिक जानकारी को डीएनए के बजाय आरएनए के रूप में संग्रहित करता है। जबकि अधिकांश अन्य जीव अजीवित चीजें डीएनए का इस्तेमाल करती है। एचआईवी के अलावा दो अन्य रेट्रोवायरस हैं जो मानव बीमारी का कारण बन सकते हैं। एक यहाँ है मानव टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस यानी टाइप वन, जिसको बोलते हैं एचटीएलवी। ठीक है, क्या बोलेंगे, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक अभिसे वायरस और मानव टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस टू। एक एचआईवी का वायरस भी होता है जो रेट्रोवायरस होता है, यहाँ पे दो और है एचटीएलवी वन और एचटीएलवी टू। करें ये दोनों वायरस यौन संपर्क संक्रमित रक्त या उत्तक के संपर्क में आए या गर्भावस्था या प्रसव के दौरान संक्रमित व्यक्ति से उसके बच्चे में फैलते हैं। फिर देखेंगे अब हम पूर्वी लॉक इवन के बारे में। पूर्वी लॉक इवन करा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा असम के कुछ हिस्सों में तेल और गैस की खोज के लिए मंजूरी देने से लॉक इवन पर और अधिक खतरा मंडरा सकता है। तो पूर्वी लॉक इवन के बारे में कुछ देखेंगे। ठीक है, करें यह सभी बांदरों में सबसे छोटा और सबसे तेज बांदर है। करें ये बहुत मिलनसार होते हैं, या आक्रामक नहीं होते हैं और इसीलिए मनुष्यों के साथ उनका कोई संघर्ष भी नहीं होता है। करें गिवन अन्य प्रजातियों के लिए एक संकेतक माने जाते हैं, इसलिए लॉक इवन एक प्रमुख प्रजाति है जिसको बोलते हैं की स्पेसिस। वैज्ञानिक नाम इसका है हुलोक लिकोनेडिस। संरक्षण की स्थिति इसका क्या है, तो ये संवेदनशील है, वल्नरेबल है इसकी स्थिति। साइट्स में ये परिशिष्ट वन में है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बोले तो उसमें अनुसूची वन में रखा गया है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। खतरे तेल और गैस खनन, लकड़ी काटना, अतिक्रमण, अन्य विकास परियोजनाएं, कृषि एवं आवास संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए वनों का कटान, ये सब इसके लिए खतरे हैं इसके अस्तित्व के लिए। प्रसार क्षेत्र की बात कहें तो पूर्वी बांग्लादेश
पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी जगह ये पाया जाता है होलोगिवन। और उत्तर पश्चिम म्यांमार और चीन, ठीक है, दक्षिण पूर्व तिब्बत, तो चीन लिखा है, चीन में ही दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ये पाया जाता है क्योंकि तिब्बत चीन का ही भाग माना जाता है। इधर उत्तर पश्चिमी म्यांमार, असम सरकार ने 1997 में असम के जोरहाट जिले में लोंगा पार रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा बढ़ाकर किवन वन जीव अभयारण्य कर दिया, जिससे यह प्राइमेट प्रजाति के नाम पर पहला संरक्षित क्षेत्र बन गया। प्राइमेट में इस प्राचीन एक तरह से कह सकते हैं। तो ये हो गया आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन दूसरा टॉपिक आपका तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ही था, तो इन दोनों से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है, वही इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के टॉपिक के साथ, वो भी करंट अफेयर ही रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ के बाद में करेंगे। चलिए आज पर भी इतना ही।